हेलो गजर, कैसे हो यार? सभी का स्वागत है छोटे से चैनल के छोटे से इवेंट वाले वीडियो पे। एंड भाई देखो, यहाँ पे हमारा एक नया इवेंट आ चुका है, द हेस्ट साइड किक, ठीक है ना, कुछ ऐसा इवेंट करके नाम है। एंड इसकी मैं वीडियो डालने वाला था कि ये आने वाला, लेकिन ये इससे पहले आ गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड हाँ, इसके बारे में बताने से पहले या फिर डायमंड खर्च करने से पहले अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ वगैरह आती है तो इग्नोर करना, क्योंकि मैं बाहर में वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलो यार, सिंपली से इस इवेंट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है इस इवेंट में, ठीक है ना। तो भैया देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक स्पिन का 20 मिलेगा, ठीक है ना, और 10 स्पिन का 180 डायमंड आपको लगेगा, ठीक है ना। और जो आप एक स्पेशल स्पिन मिलेगा जिसमें आपको रेयर आइटम मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना, जो कि रहेगा आपका 40 डायमंड का। एंड मेरे को लगता है नहीं कि जल्दी आपको निकलने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप 10 मतलब कर ले तो स्पिन तो आपको एक पैंट मिलेगी, और 20 कर लेते हो तो एक ऊपर का, ठीक है ना, शर्ट समझ लो, और 30 कर लेते हो तो आपको 3 क्यू फ्रेगमेंट, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये गंदा वाला इवेंट है, ठीक है ना, इसमें आपका बहुत ज़्यादा लॉस लगने वाला है। लेकिन फिर भी एज ए यूट्यूबर मेरे को वीडियो बनानी है, तो यार मेरे को स्पिन करके आपको दिखानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे पहला स्पिन 20 का करके दिखाता हूँ कि अब मुझे क्या मिलता है, ठीक है ना गाइस। तो गाइस पहले स्पिन में मेरे को मिला P90, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है गाइस, ठीक है ना। तो भैया, और अभी अगर आप फिर से आप स्पिन करोगे ना, तो आपका ये P90 दोबारा भी मिल सकता है, ठीक है, ये नहीं कि अब ये हट जाएगा, ठीक है ना। एक होता है ना, मतलब कि स्पिन किए तो ये हट जाएगा, अभी ये P90 नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आपका देखो 30-40 डायमंड हो या 50 डायमंड हो, तो उसको वेस्ट कर दो मेरे भाई, ठीक है ना, वेस्ट कर दो, क्या पता एक ही दो स्पिन में निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 500-600 डायमंड है या फिर 300 डायमंड है, तो बिल्कुल इस इवेंट को ट्राई मत करो, क्योंकि आगे बहुत सारा इवेंट आने वाला है। सुपर मार्केट आ रहा है, आने वाला, सॉरी, हैकर स्टोर आने वाला है, एंड बहुत सारे इवेंट आने वाले, तो उस सब में वेस्ट करना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको, मेरे को नहीं लगता कि जल्दी आपको निकलने वाला है। और भाई लोग, जो जिसके पास 1000 डायमंड से ऊपर है, 1500-2000 डायमंड, जो अच्छा टॉप अप करता है, वो आराम से कर सकता है इस इवेंट को ट्राई, ठीक है ना। या तो आपके पास 40-50 डायमंड है, तो वो आराम से करो, एक दो स्पिन करो, क्या पता निकल जाए। और अगर पास 300-350 डायमंड, तो खर्च मत करो मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अगर आप मान लो कोई लाइट पास वाला मतलब इवेंट आ गया जिसमें आपको लाइट पास कम डायमंड में मिल जाए, तो यार आपको लाइट पास में बंडल मिल जाएगा, स्किन्स, कार की इमोट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो लाइट पास तो बेटर हुआ ना इससे मेरे भाई, ठीक है ना। जिसके पास तो डायमंड रहता है, टॉप अप करते रहता है बंदा, 1500-2000 डायमंड, 1000 डायमंड से ऊपर, तो आप लोग आराम से ट्राई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो लोग ड्रॉप परचेस करते हैं, उससे डायमंड लेते हैं, टॉप अप नहीं करते, तो आप आराम से डायमंड बचा के रखो अभी, क्योंकि फ्यूचर में और भी इवेंट आपके लिए आने वाला है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से डायमंड वेस्ट मत करो, मैं भी इसमें वेस्ट नहीं करने वाला हूँ डायमंड, ठीक है ना मेरे भाई। तो मैंने 20 का स्पिन करके आपको दिखा दिया, उससे ज़्यादा मैं अब करने वाला नहीं हूँ। तो बस यार, वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना मेरा।